मैंने रात से ब्लॉग स्टार्ट किया है, 12 बज गया है। तो मैंने सोचा कि कल मुझे जो बनाना है उसको मैं फुलो दूं, तो साबूदाना को मैंने फुलो दिया है। हे गाइस, मैं अभी इस वक्त किचन में हूँ। कल मैंने दिखाया था आपको, रात को मैंने साबूदाना फुलोया था, तो साबूदाना हमारा अच्छे से फूल गया है। फूल करके देखिए क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। मैंने सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी महाशिवरात्रि। तो बहुत सारे लोगों का आज फास्ट होगा, जो व्रत रहते हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ फास्ट के लिए लॉलीपॉप। तो वो कैसे बनाएंगे उसकी प्रोसेस आप देखते रहिए। इसलिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता देती हूँ। साबूदाना की ज़रूरत पड़ेगी, उबले हुए आलू, मूँगफली भी भून करके रख ली है मैंने। मूंगफली का पहले हम छिलका उतारेंगे, उसके लिए हम एक गंजी की हेल्प से इसको प्रेस करके इसके छिलके ऐसे उतार लेंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह हम इसके मूंगफली के छिलके उतार लेंगे। इस तरह इसका बूरा बना लेंगे मूंगफली का। कुछ मिर्ची लेकर के उसका पेस्ट बना लेंगे, मिर्ची का पेस्ट भी बना लेंगे। इस तरह आलू छील लेते हैं। आलू हमारे छिल गए हैं, अब इनको कद्दूकस कर लेंगे। ये आलू कद्दूकस हो गए हैं, इसमें साबूदाना मिलाऊंगी, मूंगफली मिलाएंगे, मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें धनिया पत्ती काट के डाल देंगे। ये व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें सेंधा नमक डालेंगे। जो भी व्रत में यूज होता है सामान मैं वही यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ में ऐसे ऑयल लगा करके इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए अब नीचे पक रहा है। ये इस तरह की जो आइसक्रीम की स्टिक आती है इसमें हम इसको लगाएंगे। थोड़ा सा पहले हाथ में ऑयल लगा लेते हैं, इसको ऐसा गोल ऐसा बना करके ये जो स्टिक है इसको बीच में ऐसे लगा देते हैं, इसका शेप दे देते हैं। ये लॉलीपॉप टाइप का ये बन जाएगा ऐसा, और इसको बीच में ऐसे अंदर डाल देंगे स्टिक को। ये स्टिक सामने से निकले नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, बस ये यहीं तक रहे तो ये अच्छे से लग जाए। इसको थोड़ा सा से चपटा कर देंगे। लॉलीपॉप को हम मूंगफली का ये जो पाउडर बनाया था उसमें डिप करके अच्छे से इसको उठाइएगा, इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे इसको डाल करके ऐसे चिपका देंगे अच्छे से मूंगफली का ऊपर से भी। हमारे ये लॉलीपॉप रेडी हो गए हैं। इनको हम थोड़ा देर के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। मिन लॉलीपॉप को फ्रीजर में रख देते हैं। धनिया पत्ती, टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाएंगे। इसमें व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, चटनी के साथ बहुत अच्छा लगेगा।
चटनी रेडी हो गई। फ्रीजर से लॉलीपॉप निकाल के ले आई। अब यहाँ तेल चढ़ा दिया गैस में, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसको डाल देंगे। ये व्रत के लॉलीपॉप रेडी हो गए हैं।